पहाड़ों में बर्फबारी का दौर इस बार काफी देर से आया है। अमूमन फरवरी के पहले हफ्ते तक बर्फबारी हो ही जाती है, लेकिन इस बार मार्च आ गया, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बर्फबारी ने उत्तर भारत के 3 पहाड़ी राज्यों को अपनी आगोश में ले लिया है। मार्च आ गया, लेकिन फरवरी में शुरू हुई बर्फबारी का दौर अभी भी बरकरार है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ बर्फ से सफेद है, वहीं उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में भी हिमपात जारी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। लाहौर स्पीति में लगातार 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर 3 से 4 फीट तक बर्फ की परत जमी हुई है। गाड़ियां बर्फ से दब गई हैं। बर्फबारी के चलते केलांग मनाली नेशनल हाईवे समेत उदयपुर की मुख्य सड़कें आवाजाही के लिए बंद है। बिजली और पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। नरकंडा से तस्वीर सामने आई है, जहां तक नजर जाती है केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। रास्ते पर बर्फ, घरों में बर्फ, यहां तक कि पेड़ पौधे भी बर्फ से ढके हुए हैं। पर्यटन स्थल मनाली में भी स्नोफॉल देखने को मिला, जिससे सड़कों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम का हाल देखिए, बर्फ ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। दूर दूर तक बस बर्फ ही दिख रही है। गुलमर्ग का भी यही हाल है। बर्फबारी से सैलानी तो खुश हैं, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। पूंछ में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला। यहां 7 ट्रैकर फंस गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बचाया। और हमारी टीम को साथ में लगाया और वो फौरन वहां पर 3 बजे उनके उनसे रब्ता हुआ, वहां पहुंचे और उनको हमने वहां से निकाल के अपनी गाड़ी में बिठा के मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने सिविल साइड में चंदीमढ़ में आके वहां रखा और अब वो अपनी जगह बिल्कुल सेफ है। उत्तराखंड के चकराता में भी जमकर बर्फबारी हुई है। चकराता में सीजन की 3री बर्फबारी हुई। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी है। औली में लगातार बर्फबारी हो रही है, वहीं औली में घूमने के लिए सैलानी भी पहुंचे हैं, जो बदले हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं। औली में आके ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो चुका है हमारा। बहुत खूबसूरत वादियां है, घूमने में बहुत मजा आया। हम लोग को हमारे दोस्त लोग आए मुंबई से, खूब घूमे, ऐश किए, मस्ती किए। औली में आए ना, हम लोग इतना अच्छा लगा, सिर्फ 2 घंटा इधर स्पेंड किया, इतना मस्त लगा हम लोग को। बर्फ वगैरह, बर्फ में खेलने के लिए फर्स्ट टाइम मौका मिला हम लोग को, सब जन को बहुत एंजॉय किया। गंगोत्री धाम में पिछले 3 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते पूरे गंगोत्री धाम में 2 फुट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।